गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल परूज स्टाइल कॉर्नर। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आई होप कि आप सब लोग अपने घर में अच्छे से होंगे और सेफ भी होंगे। तो आज का हॉल वीडियो टाइटल से पता पड़ ही गया होगा, फ्लिपकार्ट हॉल वीडियो है। तो फ्लिपकार्ट हॉल्स में और मिंत्रा हॉल्स काफी करती हूँ, आपको पता ही है कि फ्लिपकार्ट मुझे बहुत सारी वेरायटी देखने को मिल जाती है और वो भी काफी अफोर्डेबल रेंज में। जो आज का हॉल है उसमें मैं कुछ पीसेस आपको जो आप वेडिंग या फंक्शंस फेस्टिवल्स में कैरी कर सकते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ और कुछ कैजुअल्स भी दिखाने वाली हूँ। सब एथनिक वेयर ही है गाइस। सभी प्रोडक्ट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, प्राइजेस स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक बाय बुलबुल शॉप भी एक मिलेगी, तो उस लिंक को भी जरूर से चेकआउट करिएगा। वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी आपको। तो उसमें भी आपको एथनिक वेयर के काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी काफी अफोर्डेबल रेंज में, तो उसको भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए टोटली फ्री है। और उसके बगल में जो रेड कलर का बेल आइकन है उसे भी हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसमें ऑल ऑप्शन ही ऑप्ट करिएगा जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। अब हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जो फर्स्ट पीस मैं आपको दिखाऊंगी वो है एक कुर्ती एंड शरारा का सेट, प्रिया प्लाजो पेंट आप बोल सकते हैं। तो ये पीस, इसमें दो तीन कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, मुझे बॉटल ग्रीन और इसमें चाहिए था। तो ये एक स्ट्रैपी कुर्ती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है सर्दी आ गई है, तो आप इसके अंदर हाई नेक का स्वेटर या ऊपर से कुछ जैकेट डाल सकते हैं, इस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो मुझे ये काफी पसंद आया था, स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था तो मैंने लार्ज साइज ही ऑर्डर कर दिया। तो थोड़ा बहुत मैंने ऑल्ट्रेशन इसमें करा दिया है लेकिन स्टिल इट इज वेरी लूज फॉर मी, तो वो आप ट्रायन पार्ट में देखेंगे। तो ये मुझे काफी लूज है, ब्रांड में बता देती हूँ, गुफ्रियाना करके कुछ ब्रांड है इसकी, फ्लिपकार्ट से ही लिया है मैंने। इस तरीके की ये देखिए आपको स्ट्रैपी कुर्ती मिलेगी, नेक इस तरीके का मिलेगा इसका और ये ए लाइन फ्लेयर्ड वाली शॉर्ट कुर्ती है। अच्छा, मैंने नीचे से भी इस पे थोड़ा सा कट करवाया है फैब्रिक क्योंकि मुझे काफी लॉन्ग थी, मतलब बहुत लॉन्ग नहीं थी लेकिन शरारा का क्या पैटर्न उतना दिख नहीं रहा था, उस हिसाब से मुझे लॉन्ग थी तो मैंने नीचे से थोड़ा इसको कट भी कराया है। हाँ, तो ये देखिए इस तरीके के फॉइल प्रिंट में ये पूरी कुर्ती है। तो इसके साथ जो मुझे शरारा या प्लाजो बोल सकते हैं वो ये रिसीव हुआ है और इसको भी मैंने ऑल्ट्रेशन के लिए दिया था पर इसका शायद वो करना भूल गया, तो इलास्टिक अभी ये देखिए बहुत ही चौड़ी है मेरे हिसाब से, तो बोथ साइड से ये इलास्टिकेटेड है। और हाँ, मैं फैब्रिक बताना भूल गई, रेयन फैब्रिक में है ये सेट, ठीक है। तो इसका भी आप देख रहे होंगे एकदम काफी अच्छा रिच फैब्रिक दे रखा है इन्होंने, स्पेस सेल्फ वाला, सेल्फ स्ट्राइप्स वाला ये डिजाइन है इस पूरे फैब्रिक पे और व्हाइट कलर में है ये, ठीक है। और हेम पोर्शन पे इस तरीके का लेयर्ड वाला इन्होंने जो शरारा का पैटर्न होता है वो दे रखा है। जो नेक्स्ट पीस है वो है प्योर कॉटन फैब्रिक में ये रैप स्टाइल, अंगरखा स्टाइल में पहनने वाली बांधनी प्रिंट में कुर्ती, ये देखिए बहुत ही अच्छा फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है, प्योर कॉटन फैब्रिक है, मीडियम साइज से स्टार्टिंग थी तो मीडियम लिया है, तो काफी लूज है मुझे। हाँ, तो ये देखिए पूरा ओपन है, जैसे अंगरखा पैटर्न वाली कुर्ती होती है ना, बांध के आपको अंदर भी डोरी दी होती है, अंदर फिर बाहर एक डोरी दी होती है, वैसे बांध के इसको पहनना होगा आपको। इसका पैटर्न मैं दिखा देती हूँ, नेक पे आपको इस तरीके का गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिलती है इसके नेक पे, बांधनी प्रिंट है, स्लीव्स फुल मिलेंगी इस पे भी, पूरे पे आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिलती है। काफी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, एकदम वाइब्रेंट कलर है इसका, ब्यूटीफुल भी है और साथ में कंफर्टेबल भी है। तो बांधने को जो उन्होंने दे रखे हैं उस पे ये इस तरीके के इन्होंने ये देखे टैसल्स लगा रखे हैं, ठीक है। तो पूरी इस तरीके की कुर्ती मिलेगी, फ्रंट पोर्शन में ये आपको जहाँ पे बांधना है उस पे पूरे पे ये देखिए गोटा पट्टी की इन्होंने यहाँ डिटेलिंग कर रखी है, पूरा नीचे तक कर रखी है और इसके हेम पोर्शन पे भी अच्छी खासी यहाँ पे इन्होंने
काफी रिच लुक दे रखा है इस कुर्ती को, बहुत अच्छी। ये देखिए गोटा पट्टी लगा रखी है, नीचे बॉर्डर भी लगा रखा है इसका। तो इस तरीके की पूरी ये कुर्ती है। और बैक से मैं दिखा देती हूँ, बैक से इस तरीके की आपको मिलेगी ये कुर्ती। इसके साथ मुझे एक ये इन्होंने पोटली स्टाइल का बैग भी दे रखा है, इसी के साथ रिसीव हुआ है फ्री में। जो नेक्स्ट पीस है वो भी मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का रिसीव हुआ है, मुझे काफी पसंद आया है। तो वो है ब्रांड पोशाक हब से, और एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने साइजेस में चूज किया है। तो मैंने इसको पहन के देखा है, इसकी फिटिंग वगैरह मुझे बहुत लूज नहीं आए, ठीक ठाक आई है। हल्का सा और ऑल्टरेशन कराऊंगी तो काफी अच्छा बैठेगा, वैसे नहीं भी कराऊंगी तो भी चलेगा, बहुत हल्का सा माइनर सा डिफरेंस है। तो ये प्योर कॉटन फैब्रिक में सेट है ट्राउजर का और कुर्ती का। इसमें काफी सारे डिफरेंट पैटर्न्स अवेलेबल थे, मतलब डिफरेंट प्रिंट एंड कलर में। मैंने ये व्हाइट कलर में इस तरीके के रोज पिंक प्रिंट में ये चूज की। इसकी स्लीव्स अलग तरीके की, ये देखिए कैप स्लीव्स, बटरफ्लाई टाइप स्लीव्स मिलेंगी। फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट कॉटन वाला इसका फैब्रिक है, क्योंकि ये पूरी ए लाइन लॉन्ग कुर्ती मिलती है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसके जो फ्रंट में ही एकदम थोड़े से साइड में यहाँ पे स्लिट दे रखी है, जो थाई पोर्शन से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे ये देखिए हाई थाई स्लिट दे रखी है, ठीक है। तो ये इसको काफी थोड़ा सा अच्छा स्टाइलिश लुक दे देती है। तो पूरी इस तरीके की प्रिंटेड कुर्ती मिलेगी आपको। ये बैक से भी इस तरीके का प्रिंट मिलता है पूरे में आपको, और इसके साथ मुझे इस तरीके का कॉटन फैब्रिक में ही बोथ साइड से इलास्टिकेटेड प्रिंटेड इस तरीके का ट्राउजर मिलता है। गाइस जो नेक्स्ट पीस है वो एक कुर्ती और प्लाजो पैंट और दुपट्टा पूरे का सेट है। इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, मैंने ये देखिए येलो कलर में लिया है। इसके साथ मुझे कॉन्ट्रास्ट कलर में इस तरीके का डार्क नेवी ब्लू कलर का शिफॉन का दुपट्टा मिला है। बाकी ये सेट जो है रेयन फैब्रिक में है, मीडियम से स्टार्टिंग थी, मीडियम ही ऑर्डर किया है। तो लूज बहुत है, ट्रायन पार्ट में एक लेचर वगैरह पीछे से लगा के थोड़ा फिटिंग वगैरह करके ही मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी। तो इस तरीके की ये देखिए बहुत ही वाइब्रेंट कलर है इसका, कुर्ती मिलती है। ये पूरा पेंट है इसमें प्रिंट किया गया है, जो इस तरीके की कुर्ती मिलेगी। स्लीवलेस है, शॉर्ट कुर्ती मिलेगी फ्लेयर्ड वाली। बैक से भी इस तरीके का प्रिंट मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो फैब्रिक काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, और इसके साथ ही ये प्लाजो पैंट मिलता है जो बोथ साइड से इलास्टिकेटेड है। ये सॉलिड येलो कलर में है, प्रिंटेड नहीं है ये, ठीक है। तो इस तरीके का ये देखिए थ्री लेयर वाला प्लाजो पैंट रिसीव होता है। तो इस तरीके के पैटर्न वाले ये जो बॉटम से काफी चल रहे हैं, तो काफी अच्छा थोड़ा हैवी सा ये मुझे रिसीव हुआ है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी लेयरिंग दे रखी है, तो काफी अच्छा लगता है पहनने के बाद। आप फ्रंट पार्ट में देख रहे होंगे इस तरीके का प्लाजो पैंट रिसीव हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया था कॉन्ट्रास्ट कलर में शिफॉन फैब्रिक का मुझे नेवी ब्लू कलर का इसके संग ये दुपट्टा रिसीव हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी रहा होगा। तो पसंद आया हो तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट होल वीडियो में बहुत जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड गाइस बाय बाय।